हल्की सी बारिश से सरसवा की सूरत बदल गई। चारों तरफ सड़क पर जल जमाव से राहगीरों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बता दें आपको कि मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सरसवा बाजार का एक ऐसा रास्ता जहां से लोग और स्कूली बच्चे आते जाते हैं, वो रास्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका है, पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो गया है। मुख्य सड़क हो या बाईपास, चारों तरफ सड़क में भारी कीचड़ और जल जमाव से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लोगों ने बताया कि इस संदर्भ में कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत किया, लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस पर कोई भी ध्यान नहीं देते। आए दिन बूढ़े नौजवान बच्चे इस कीचड़ और जल जमाव में गिरते रहते हैं। सभी को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि हल्की सी बारिश में इस सड़क का हाल नरक से भी बदतर हो जाता है। बता दें कि सरसवा बाजार बहुत ही प्रसिद्ध बाजार है। यहां लगभग 20 गांव के लोगों को बाजार में सब्जी खरीदने या अन्य सामग्री खरीदने आना पड़ता है। फिर रास्ते से सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का आना जाना भी होता है। बावजूद इसके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और इस जर्जर रोड की हालत अभी तक ऐसी ही रह गई। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सरसवा में हमने के कहीं से आवे जावे के सुविधा नहीं है। चारों बगल रोड खराब है, पानी लगातार रोड टूटल बा। चारों तरफ सरसवा में ये हाल बा, चारों तरफ सरसवा में ये हाल बाटे। तो कोई समाधान नहीं के लोग के ऊपर प्रशासन के भी कोई प्रतिनिधि आता जा। देखिए सरसवा के चारों तरफ से निकासी यही है, जल जमा हो रहा है, छोटा छोटा बारिश हो जा रहा है। किसी प्रतिनिधि या विधायक विधायक कोई कई बार आए देखे, बोलेगा आश्वासन दिए नहीं हुआ। हम आपसे यही कहेंगे जी इंडिया को धन्यवाद देता हूँ कि कई बार आपने न्यूज़ चलाया जो आज तक कुछ नहीं हुआ इसमें। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। सर यहाँ का सड़क की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। चारों ओर सरसवा पंचायत में चारों ओर की सड़कों की वही स्थिति है। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह एक स्कूल यहाँ पर चलता है और ये रास्ता बाजार वाले स्कूल का भी और हाई स्कूल भी जाने वाले रास्ता जाने वाले बच्चों के लिए रास्ता है। लगभग 5000 बच्चे इस रास्ते से होके हाई स्कूल जाते हैं, NAVM जाते हैं, MGR जाते हैं, अनुसुप्रिया आते हैं, बहुत सारे स्कूल में यहीं होके बच्चे जाते हैं और प्रतिदिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते जाते हैं। और हमारे प्रशासन का और हमारे DM साहब का ना जाने कब उनके कानों में ये बात पहुँचेगी और कब इस रास्ते पर ध्यान देंगे कि हमारे सरसवावासी इस नरकीय स्थिति से जाम पाने से निजात पाएंगे। ये समस्या कब से हो रही है? ये समस्या आज से नहीं, समस्या लगभग 10 साल से ऊपर से ही है। लेकिन कोई इस पर ध्यान कोई इस पे ध्यान 10 साल से इतने जनप्रतिनिधि आए लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देते। हम के सरसवा के निवासी बानी, सो सरसवा में हम के रोड जोन बाई इतना नरक रोड बा, सब कोई प्रतिनिधि आवत आ जाता, प्रशासन आवत आ जाता, लेकिन ए पर कोई के ध्यान नहीं के। लड़का हम के स्कूल में आवे जाए में इतना ना कठिन बा लेकिन कोई नहीं के देख पावत। हाँ तनी एक देख हम के ये एगो समस्या बहुत सरसवा बाजार में कहीं भी आवे जाए के हमी के सुविधा नहीं के। आ मेन रोड है, चारों ओर से सब कोई आवे के बाद जाए के बा। हम के बच्चा सन के स्कूल में एतिए आवे जाए पड़े बा। कोनो के गोड़ टूटता, कोनो के हाथ टूटता, रोज कहिए ना कसन गिरत लड़का में। कोई प्रतिनिधि पर ध्यान नहीं के दे। का नाम पड़ी अपने का? हमारा नाम वस्तु शंकर। मझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट, R9 भारत।